Redmi Note 4 के लिए ROG Edition का जो है, जैसा कि लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिल जाता है 12.5.3 स्टेबल बिल्ड एंड्रॉयड 10 का, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या कुछ मिलता है। हालांकि यहाँ पे जो है कुछ बग्स भी देखने को मिले हैं जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो कंप्लीट देखना ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल सके। बाकी इसका इंस्टॉलेशन जो है सेम रहने वाला है, जैसे कि आप बाकी MIUI की रोम इंस्टॉल करते हो बिल्कुल सेम आपको उसी तरीके से इसको भी इंस्टॉल करना है। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ हमें मिलता है। अब फोन के अंदर चलते हैं ROG इन्फो में, तो न्यू लोगो आपको मिल जाएगा। वर्जन की बात करें तो MIUI अभी एक्स ROG एडिशन 12.5.3 स्टेबल मिल जाता है। मेंटेनर नेम स्लेयर जैसे कि आप देख सकते हैं, और ऑल स्पेक्स के अंदर आपका ये ओवरक्लॉक 2.2 देखने को मिलता है। एंड्रॉयड वर्जन आपका 10 है और सिक्योरिटी पैच बिल्कुल लेटेस्ट 1 जुलाई 2021 की देखने को मिल जाती है इसके अंदर। और कर्नल आपका यहाँ पे 3.18 बेस ZLOS का कर्नल देखने को मिल जाता है। और स्टेटस बार आपका हालांकि काफ़ी स्मूथ है, स्टेटस बार में ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं मिलती है, स्मूथ है। और आपका एडिट पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपका जो एसेंट कलर है आप चेंज कर सकते हो, डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लेना, उसके अंदर से आप एसेंट कलर इसका चेंज कर पाओगे, बिल्कुल ऐसे तरीके से चेंज होता है। और आपका जो वॉल्यूम पैनल है ये आपको देख सकते हो बिल्कुल लेटेस्ट देखने को मिल जाता है यहाँ पे। आपका जो पावर मेन्यू है यहाँ पे एक्सटेंड वाला मिल जाता है, जैसे कि ROG में पहले हमें देखने को मिलता था उसी तरीके से आपको मिल जाता है इसके अंदर। और आपका यहाँ पे ऐप बोल्ट अगर आप देखोगे तो ऐप बोल्ट भी आपको लेटेस्ट ही यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो कुछ इस तरीके जो है ये काम करता है यहाँ पे। और कैमरे की बात करें तो कैमरे के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, हालांकि आपका पोर्ट्रेट मोड काम नहीं करता, लेकिन आप देखोगे तो सेटिंग्स भी आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलती वीडियो रिकॉर्डिंग में भी, तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। हालांकि आप इसके अंदर GCam यूज़ कर पाओगे, 8.1 काम कर रहा है, बस इसके अंदर स्लो मोशन काम नहीं करता। बाकी आप वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर पोर्ट्रेट मोड पिक्चर क्लिक करना हो आप आराम से क्लिक कर पाओगे। और जैसा कि इसके अंदर आपका यहाँ पे देखोगे तो आपका जो फाइल मैनेजर है ये बिल्कुल आपको लेटेस्ट MIUI 13 वाला देखने को मिल जाता है। और साथ साथ यहाँ पे जो आपका म्यूजिक प्लेयर है रेट्रो का है, और गैलरी भी अगर आप देखोगे तो गैलरी भी आपको लेटेस्ट ही देखने को मिलती है इसके अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गैलरी बिल्कुल लेटेस्ट मिल जाती है, स्काई भी दिया गया है, तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं मिलती। और अगर हम यहाँ पर बात करें मैजिक की यहाँ पर, तो प्री इंस्टॉल आपको मिल जाता है, बस यहाँ पर सेटअप कंप्लीट करना है, जैसे कि बाकी सारी रोम्स में काफ़ी सारे बता रखा हूँ, बस ओके करके सेटअप कंप्लीट करना है। हालांकि इसके अंदर सेफ्टी नेट पास नहीं रहता, तो आप मैजिक आपको हाइड करके करना पड़ेगा, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आप देख लेना मिल जाएगी, तो उससे आप जो है कर पाओगे। और प्ले स्टोर भी इसका यहाँ पर जो दिया गया है, प्ले स्टोर भी आपका यहाँ पर जो है ये सर्टिफाइड नहीं है, तो उसी वीडियो से जो है आपको ये सर्टिफाइड करना पड़ेगा, सेफ्टी नेट पास करना पड़ेगा, तो वीडियो आप देख लेना। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है कि आपका FM काम नहीं करता है, और आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये फिलहाल आपको यहाँ पे मिल जाता है 100 Mbps क्वालिटी के साथ, अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो। और फ्रेम रेट आपको 90 fps तक मिल जाता है यहाँ पे, तीन चीज़ तो फिलहाल आपको अच्छी मिल जाती है। और यहाँ पे आपका जैसे कि मैं गूगल इंस्टॉल किया हूँ चेक करने के लिए, ओके गूगल का, तो ओके गूगल काम नहीं कर रहा है इसके अंदर। बाकी आपका मी ब्राउज़र मिल जाता है, क्रोम खुद से यहाँ पे करना पड़ता है। और यहाँ पे आपका जो आइकन्स है वो भी देखोगे तो काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पे आपका कॉलिंग के अंदर वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल काम नहीं करता, जैसे कि एंड्रॉयड 10 है वीडियो कॉल काम नहीं करता, उसके लिए थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना पड़ेगा। बाकी आपका जो ब्लूटूथ ऑडियो है मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पे ही काम कर रहा है, तो ब्लूटूथ में दिक्कत ऐसी कोई दिक्कत नहीं मिलती है। और आपका यहाँ पर जो ऐप ओपनिंग है वो भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टैप करने पे जो रिस्पॉन्स वो काफ़ी अच्छा है और फास्ट भी ओपन होता है, ज़्यादा डिले नहीं है, कुछ कुछ पे आपको थोड़ा डिले मिलेगा लेकिन ज़्यादा नहीं मिलता। रिसेंट भी जो है काफ़ी स्मूथ मिल जाता है। और रैम आपका 4GB में 1.7GB के करीब जो है आपको फ्री देखने को मिलता है। सेटिंग्स के अंदर आपका जो कास्ट यहाँ पे दिया गया है, कास्ट को आप यूज़ कर पाओगे, कास्ट में आपको दिक्कत नहीं मिलती। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर आपको यहाँ पे जो वॉलपेपर्स मिलते हो आपको मिल जाएंगे ROG वाले, हालांकि इसके अंदर आपको सुपर वॉलपेपर भी दिया गया है जो कि यूजलेस ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सभी वॉलपेपर्स आपको मिलते हैं ROG के। और थीम्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, हालांकि थीम स्टोर चाइनीज है, बाकी आपको यहाँ पे 4 थीम मिल जाते हैं, आप इम्पोर्ट कर पाओगे यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम बैक करते हो चलते बाहर, तो यहाँ पे आपको बाहर जो है देखने को मिल जाता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन, हालांकि ऑलवेज ऑन काम नहीं करता। और इसका जो चार्जिंग एनिमेशन है ये भी आपको ROG वाला देखने को मिल जाता है इसके अंदर में। और अगर हम यहाँ पे बाहर चलते हैं तो इसके अंदर आपको जो है बाहर में आपका जो डिस्प्ले है इसके अंदर आपका जो रीडिंग मोड दिया गया है ये अच्छे से काम कर रहा है, कलर स्कीम भी आपका वर्किंग मिल जाता है, रोटेशन भी काम कर रहा है, साउंड एंड वाइब्रेशन तो आपको नॉर्मली जैसे कि बाकी रूम मिलता है उसी तरीके से मिल जाता है। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर बूट ऑडियो तक का ऑप्शन मिल जाता है। और साउंड इफेक्ट फिलहाल आपका काम नहीं करेगा यहाँ पर, तो ये जो है आप यूज़ नहीं कर पाओगे। और बाहर आपका यहाँ पे मिल जाता है नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, तो इसके अंदर आपका जो है ये कंट्रोल सेंटर स्टाइल मिल जाता है, और साथ साथ नीचे आपको स्टेटस बार के सेटिंग मिलती है, हाइट नोच मिल जाता है, और यहाँ पे कनेक्शन स्पीड ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है।
होम स्क्रीन के अंदर आपका यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन दिया गया, हालांकि ये काम नहीं करता। जो यहाँ पे आपका एडिशनल सेटिंग्स के अंदर दिया गया आप उसे यूज़ कर पाओगे, और यहाँ पे सर्च बार भी आप जो है चेंज नहीं कर सकते, जो डिफ़ॉल्ट है वही आप यूज़ कर पाओगे। नीचे आपको अरेंज आइटम इन रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है, और आपका यहाँ पे जो सिक्योरिटी है इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक दोनों ही अच्छे से काम कर रहे हैं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट ही देखने को मिल जाता है, तो इसके अंदर भी आपको दिक्कत नहीं मिलती है। और बैटरी की बात करें तो बैटरी बैकअप भी फिलहाल यहाँ पर अच्छी देखने को मिली है, तो बैटरी बैकअप को लेकर के आपको प्रॉब्लम ऐसी कोई दिक्कत नहीं मिलती। बैटरी बैकअप फिलहाल मुझे काफ़ी अच्छी यहाँ पर लगी है इसके अंदर। और अब चलते यहाँ पे इसके ऐप्स के अंदर, तो ऐप्स के अंदर जो है आपको डुअल ऐप लॉक बिल्कुल अच्छे से वर्किंग मिल जाता है। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर लैंग्वेज में आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे जो लैंग्वेज दी गई है इसके अंदर आपको इंडोनेशियन लैंग्वेज अवेलेबल मिल जाती है, और बाकी की लैंग्वेज भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सारी लैंग्वेज है जो कि हमें इसके अंदर मिल जाती है, और यहीं पे रीजन का भी ऑप्शन दिया गया, और यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है जिसको आप यूज़ कर पाओगे। हालांकि बाय डिफॉल्ट आपका इंडिकेटर हाइड रहता है, इनेबल कर लेना। स्वाइप अप गूगल असिस्टेंट तो मिलता है लेकिन ओके गूगल काम नहीं करता। बाकी आपका जेस्चर जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम करता है, इसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत फिलहाल नहीं मिली है। नेविगेशन पर भी काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि कभी कभार जो है एनिमेशन लैग हल्का देखने को मिलता है जेस्चर पे आपके। और अगर हम बाहर चलते हैं तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन लाइट बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लेना ताकि एसेंट कलर्स को चेंज कर पाओ। और हमारा स्क्रीन टाइम एंड फोकस मोड यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको मिलती है स्पेशल फीचर्स में भी, जैसे नॉर्मली बाकी रूम में आपको मिलता है उसी तरीके से यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। मैन्युअली आपको गेम को ऐड करना पड़ेगा BGMI को, और यहाँ पे आपका अकाउंट एंड सिंग ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। हालांकि इसके अंदर आपका हार्डवेयर एंड लाइट का भी बग देखने को मिलता है जो कि काम नहीं कर रहा है, और आपका एंटूटू स्कोर 95,470 है जो कि यहाँ पे ठीक ठाक स्कोर है, ज़्यादा बेटर हम नहीं बोल सकते। 1 लाख प्लस होता तो यहाँ पर जो है आपको अच्छा मिल जाता, फिलहाल अभी ठीक ठाक आपको देखने को एंटूटू स्कोर मिलता है। और गेम के अंदर आपका गेम टर्बो बिल्कुल नॉर्मल ही है आप देख सकते हो यहाँ पे, और इसका जो गेम क्वालिटी है थोड़ा सा लो वाला, जैसे कि किसी किसी मीडियो डिवाइस में मिलता है मीडियो के रोम्स में, उसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा लो है। और आपका जो ग्राफिक है पबजी का BGMI का, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सुपर स्मूथ देखने को मिल जाता है इस लेटेस्ट अपडेट के साथ जो कि आया है 1.5, और स्मूथ पे हाई है, बैलेंस पे मीडियम है, तो यहाँ पे इस तरीके से मिलता है। अगर हम यहाँ पे स्मूथ एंड हाई पे जैसे कि खेल रहे हैं तो बात करूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस को लेकर के, तो गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे ठीक ठाक लगी है, ज़्यादा बेटर आपको देखने को नहीं मिलती है। रोम की या स्मूथनेस की बात करें तो ज़रूर यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी मिल जाती है, उतनी तो ज़्यादा बेटर वो भी नहीं है लेकिन आपको थोड़ी सी अच्छी मिल जाती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं गेम के बारे में, तो गेम आपको जो है थोड़ा दिक्कत दे सकते हो, अभी क्लोज रेंज में आपको प्रॉब्लम होगा ज़रूर यहाँ पे, क्योंकि गेमिंग परफॉर्मेंस आपको उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है, तो इस चीज़ को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बाकी जो बग्स अभी देखने को मिले इसके अंदर वो भी आपको बता दिया, FM का बग है, बाकी आपका यहाँ पे वीडियो कॉल का बग मिलेगा जैसे कि, और तो जो भी चीज़ें थी मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे बता दें, अगर कुछ मिस हुआ तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में आपको जो है ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस नहीं मिलती है कि आप गेमिंग रोम की तरह आप जो है यूज़ करो, अगर आप गेम ज़्यादा खेलते हो तो आपको दिक्कत ज़रूर होगी, इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा सोच के जो है आप इंस्टॉल करना अगर आप ज़्यादा गेम खेलते हो तो। आप चीज़ आपको जो है चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि आपको जो है गेमिंग पे दिक्कत होगी अगर आप ज़्यादा गेम खेलते हो तो। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।